हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है 3542 और ये देखो मैं आप प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये इसका बेस टूटा हुआ है, ये बेस बाहर निकल जाता है इसका, जब हम इसको करते हैं तो ये हमारा बेस बाहर निकल जाता है, पूरा टूटा हुआ है बेस। ये किस कारण टूटता है ये आप देखोगे, ये टूटा हुआ है पूरा बाहर निकल जाता है, जब इसको खोलते पैक करते हैं तो ये दिक्कत करता है। वैसे तो हमारी मशीन रनिंग चल रही है पर ये क्या है, यदि हम इसे इसी कंडीशन में यूज करेंगे तो स्क्रीन पर प्रेशर पड़ता है और ये टूट जाता है। ये आप देखोगे ये चीज़ें इसमें से निकल रही है, ये बॉडी इसकी टूट गई है, तो ये सब इसके जो लॉक वगैरह होते हैं ये टूट जाते हैं। तो ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे टूट जाते हैं जब हमारे ये स्क्रू टाइट नहीं होते हैं, यहाँ पे जो ये दो स्क्रू लगते हैं ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने स्क्रू टाइम टाइट कराते रहें, अन्यथा क्या होगा हमारी स्क्रीन पे प्रेशर पड़ने से हमारी स्क्रीन भी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने स्क्रू टाइट कराएं, यदि आप नहीं कर सकते तो इसकी बॉडी कैसे टूटी हुई है वो हमने पिछली वीडियो में, हो रहा है स्क्रू भी ढंग से नहीं खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसकी बॉडी ब्रेक हो रखी है, बाहर आ रखी है, तो उसी को हम रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे रिपेयर करते हैं। टूटने की तो हमने आपको बताई दी है किस कंडीशन में टूटती है, क्योंकि इसमें ये स्क्रू जो होते हैं ये फंस जाते हैं तो हमारी बॉडी टूट जाती है। अब हम इसको खोल रहे हैं, ये पूरा बॉडी इसका टूटा हुआ है, ये आप देखोगे यहाँ पे इसके पूरा आर पार हो रखा है, ये इसको इसलिए हमारा जो स्क्रू है नहीं तो इस टाइप से होता है, कवर करने के लिए इसका पूरा होल हो रखा है, ये सब टूट के इसमें प्लास्टिक गिरी हुई है। ये यहाँ पे देखोगे पूरी कंडीशन इसकी, पूरा ये टूटा हुआ है हमारा, सारे हिंच वगैरह सारे जो यहाँ पे हमारे हिंच लगते हैं वो सब टूटे हुए हैं। इससे बचने के लिए एक